तो गाइस फाइनली पहला बड़ा नाला। तो अब मुझे लगता है कि भैया या तो नदी में उतरना पड़ेगा। हाँ पर है स्कोप है, यहाँ पर दिखेगी स्किल्स, रिवर क्रॉसिंग स्किल्स। मुझे डाउट है पत्थर पे फिसलना जाए नीचे। और गाइस इस नाले ने तो हमें परेशान कर दिया है, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से पार किया। मनीष जी फंस गए हैं, अभी वेट कीजिए। हाँ बाप रे बाप, ओहो मनीष जी, अरे सुनो सुनो, नहीं होती जग नहीं आएगी, लंबाई लंबाई। वहाँ नीचे साड़ा, वहीं से हेलो हेलो, वहीं से आओ नीचे जा रही, वहां से हो जाएगा। सुनो सुनो, हेलो हेलो मनीष जी, मेरी बात सुनो। हेलो, अरे पत्थर लगाने से नहीं होगा कुछ। सुनो हेलो हेलो हेलो, वहां नीचे मैं हाथ दूंगा। भाई सुनो, नीचे से मैं हाथ पकड़ूंगा, भाई गीले हो जाएंगे जूते, मैं बोल रहा हूँ आपको, नहीं दिया जाएगा भाई, नहीं 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 होगा। रुको 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 रुको। भाई जिस नाले में, सच में मैं नाला नहीं है वैसे, नदी है ये तो पूरी। मैं तो क्रॉस हो गया हूँ, लेकिन मनीष जी अब क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं ऊपर की ओर चलते हैं। खास से 50 मीटर ऊपर आ गए हम। गाइस मैं तो मनीष जी को कह रहा हूँ जूते खोल दो, वो नहीं होना यहाँ अभी, वो नहीं होना नहीं होना, ओ मनीष जी नहीं होना। बैग आर से पार थ्रो किया तो, क्योंकि थोड़ा भारी था मैं भी पकड़ नहीं पाया, तो एक तरह एक साइड से मनीष जी का बैग भी गिला हो गया है। उसमें हमने चावल डाले हैं, तो अब चावल का डाउट ही है कि कहीं अब गीले ना हो गए हो। बट क्या यार, चलिए गीले हो भी गए हो तो जल्दी पक जाइए ना। माय गॉड, क्योंकि बहुत थकान हो गया, बहुत ज़्यादा। ऑलमोस्ट अब तो 10 किलोमीटर कह रहे थे वो, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि कोई 12 किलोमीटर चल लिया हमने तो। ओह माय गॉड, अब हम अनपैक कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि पूरा ना, क्योंकि सर्दी होने की वजह से हमने सोचा कि थोड़ा ठंडा लगे, तो अंदर स्वेटर्स इनर पहना हुआ है, तो अजीब सा हो गया है। तो थोड़ी देर बाजू भी लेक्स हो जाएगी और पीठ भी लेक्स हो जाएगी। ओह गॉड, हाँ नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड। उफ, स्टिल रेनिंग बट हाँ, महादेव की कृपा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ क्या क्या था ऊपर का, पता नहीं था कि नहीं था, छड्डों पर होगा नहीं होगा। ओह भाई बहुत थकान हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया। हमारे शूज़ गीले हो गए हैं, देखिए मेरे शूज़ भी बिल्कुल गीले हो गए। गाइस अब तो लग रहा है कि शायद आधा सफ़र हो गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय हो नीलकंठ महादेव, नीलकंठ ओम नमः शिवाय। नजारा है,
शूज बिल्कुल गीले हो गए हैं। देखिए तरपाल तरपालें गीली हो गई हमारी। वाह तो देखो यार, ओह माय गॉड, जस्ट ऑसम गाइस, नो वर्ड्स फॉर दिस व्यू, नो वर्ड्स, सीरियसली नो वर्ड्स, मजा आ गया। अब देखते हैं, बिस्कुट लाए हैं, चाय है। यस मुनीश जी, चाय, चाय से याद आया, चाय है, चाय, चाय मेरी जान। अरे मैं बहुत मिस कर रहा था चाय यार। मुनीश जी आज कैसे भूल गए हम चाय को। गाइस सीरियसली मैं यू नो आई एम गेटिंग इमोशनल भाई, चाय की याद आ गई यार। ऐसे पहाड़ों में तो चाय पीने का मज़ा है, पूरी थर्मस उन्हें फुल रखी है चाय से भर के। बिस्कुट भी खाएंगे भाई, जूस भी पिएंगे, चाय भी पियेंगे। बोलते हैं ना चाय जूस इकट्ठा नहीं पीते भाई, सब कुछ पी लेते हैं। पराठा भी खाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। देखो चाय पराठा, चाय पराठा। हाँ वो नहीं नहीं थाली, थाली कहाँ, थाली तो हम शाम को खाएंगे थाली में। क्या पराठे के लिए थालियाँ निकालनी गाइस। अब चाय पीते हैं, चाय। बस मेरे पीछे आप व्यू देखिए, ऊपर इतना बड़ा ग्लेशियर है वहाँ पे, बहुत बड़ा ग्लेशियर। लंच टाइम गाइस, घड़ी के हिसाब से देखें तो बज गए हैं 3:05-6:07 तो यहाँ से ऊपर फिर जाना है। लेकिन आज का जो हमारा सफ़र है वो अलियास ही तक रहेगा, लेकिन मुझे अभी अलियास कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो अलियास जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये जो ऊपर वाला व्यू है जहाँ पे ये फॉग है इस तरह से, इसके इस साइड को राइट साइड में होगा। बट मनीष जी अब नेक्स्ट जो पड़ाव है हमारा देखिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि कहीं हमें हम नदी क्रॉस कर सकते हैं। अब तो हमें जो है शूज़ उतार के ही नंगे पांव क्रॉस करना पड़ेगा। वाह गाइस आपको व्यू दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए व्यू। वाह धीरे धीरे देखिए वहाँ पर कुछ हार्ड किशिए बन रही है, वो कैसे वहाँ से धुंध उठ रही है, क्या व्यू दिख रहा है। और यहाँ देखिए हमारे शेफ मनीष जी, शेफ देखिए चाय डालते हुए। वाह काफी नहीं ये, ओ काफी है, बस बस काफी है। तो आ गई है मेरी जान मेरे हाथ में मेरी चाय। मक्की घुस गई मेरी चाय में, मक्की घुस गई। कहाँ से पीड़ के आई तुझे ऐसे कैसे? अब यहाँ के चाय में जिंदा नहीं है। देखो क्योंकि ऐसे ऐसे पैसे में मिले था मैं उसके लिए। बारिश देखिए बारिश, लेकिन फिर भी इतना खूबसूरत नज़ारा है। तो गाइस वक्त हो गया है मूव होने का, चाय पी लिए और चाय के साथ 3-3 पराठे नीलम के हाथ के पराठे हमने खा लिए हैं। और शुक्र है क्योंकि मैं तो नीलम को कह रहा था कि एक एक पराठे डालिए रास्ते के लिए, लेकिन अब क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी ना तो 3-3 पराठे खाए हमने और मज़ा आ गया। पराठे विद पिकल, मिक्स पिकल, और पिकल में एक अदरक का पीस आया ना वो खाया, मज़ा आ गया। क्योंकि चाय में अदरक नहीं था ना, तो अदरक खाने से वो अदरक का फ्लेवर भी आ गया। मैं तो हो गया हूँ फिर से पैक, मनीष जी हो जाइए पैक। कब देख
भाई थोड़ा जूते गीले तो हो गए यार, क्या कर रहा हूँ। जल्दी करो जल्दी, ये देखो कुछ गई सारी। ओह माय गॉड, वो देखिए गाइस, चुरू, वो चुरू मेरी तरफ ही आ रहा है। ओ गाइस, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट चुरू है ना, ये अभी मेरे पीछे पड़ गया था। वो देखो कैसे देख रहा है वहां से, ये मोटे वाला देखो भाई, ये सारे ऊपर आ गए। चलो स्क्वाड यूनिटी, यहाँ देखिए आप, हमने इस वाले चुरू को ना थोड़ा वो किया ना, क्योंकि इधर आ रहा था इसको डराया। वहां देखिए सारी गैंग ऊपर की ओर मुड़ गई। वो देखो गाइस, यूनियन इज स्ट्रेंथ, क्या पता चलता है, मिलजुल के रहिए। वो देखो सारे ऊपर की ओर आ रहे हैं। ओह माय गॉड गाइस, चुरू तो अभी, चुरू ने हमें चूर कर देना ना। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कैरन बना दिया एक, फिर से पत्थर बिखरे हुए थे। महादेव की जय हो, त्रिलोकीनाथ की जय हो। तो गाइज, अब हम आई थिंक अलियास के पास अब पहुंचने वाले हैं। और ऊपर आपको दिखा हुआ ये देखिए ग्लेशियर, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो मुझे लग रहा है कि अलियास पहुंचने वाले हैं। और टाइम देखिए, टाइम हो गए हैं 4:30। तो हम लोग चले हैं ऑलमोस्ट 12:30 बजे हम चले थे नैनघार से, तो समय हो गया है 4:30। तो क्योंकि हम बिल्कुल आराम से आए रास्ते में एंजॉय करते हुए, और दिस व्यू इज जस्ट मेस्मराइजिंग, जस्ट टेकिंग द ब्रेथ अवे, बहुत ही सुंदर है। बस मैं कल के दिन की उम्मीद करता हूँ कि जब हम नीलकंठ के लिए जाए अलियास से, और फिर वहाँ से जब हम वापस आएंगे, तो जल स्तर ना बढ़े और मौसम साफ हो। नहीं देखिए वहाँ पे आप, बहुत ही ज़्यादा वैली, बहुत ज़्यादा प्लेन है, बहुत ही ज़्यादा। ये सारा देखिए आप, ये सारा जितने भी ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स के द्वारा ये डिपॉजिट किए गए, देखिए सारे पत्थर यहाँ पे, देखिए वाह। और देखिए वहाँ कहाँ से हम आए हैं, अब तो नैनघार काफ़ी पीछे है। तो गाइस, ट्रैक लंबा तो है बट उतना टफ नहीं है, जो एलिवेशन है, एलिवेशन उतना स्टीप नहीं है। धीरे 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 आप ऊपर की ओर चलते जाते हैं, तो इस वजह से उतनी थकान महसूस नहीं होती। मनीष जी कैरन लगा रहे हैं देखो, क्योंकि ऐसे कैरन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग तो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ लगे, क्योंकि देखिए ये टेरेन, देखिए आप, इसमें पहले जैसे फ्लड आया है तो पत्थर ही पत्थर है, कई बार हो सकता है कि भटक जाए कहाँ से रास्ता है। तो आप कभी भी आए तो इस तरह के कैरन्स आप देखें, जहाँ पर भी आप इस तरह पत्थर एक दूसरे के ऊपर लगे हुए मिले, तो समझ जाइए कि वो रास्ता है, मेन रास्ता। तो ये देखिए गाइस, कैसे कैसे रास्ते हैं यहाँ नीलकंठ महादेव ट्रैक का एडवेंचर। हाँ, इसी स्ट्रेच में कितने सारे नाले हैं, तो अगर इन सब नालों में पानी भर जाता है तो गाइस वापस पहुंचना मुश्किल है। तो नहीं तो यहाँ से आपको फिर से अलियास वापस, और वहीं पे अपने टेंट में आराम से सो जाएंगे। तो गाइस देखिए, हम लोग वैसे अलियास पहुंच तो काफी पहले जाने थे, लेकिन हम इन काम में भी थोड़ा सा बिजी हैं,
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो और भाई बंधु आए तो उन लोगों को सहूलियत रहे कि ताकि वो वहाँ से उस डिस्टेंस से इसको देख सके कि यहाँ से आपको जाना है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आप रास्ता मान लीजिए 50 मीटर्स भी आप अप एंड डाउन हो जाते हैं तो क्योंकि एक तो वैसे ही आदमी थक जाता है बहुत ट्रैकिंग करते हुए, तो ऐसा ना मान लीजिए आप वहाँ से चलते फिर आपको वहाँ से फिर ऊपर की ओर आना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप वही डायरेक्शन पकड़ें जहाँ जहाँ ये कैरन लगे हैं। तो बाकी सभी से भी रिक्वेस्ट रहेगी क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हमने पूरे रास्ते में ये लगाए, तो जहाँ जहाँ हमें लगा हमने लगाए। देखिए ये छोटा सा यहाँ पर भी लगा लेकिन ये वहाँ से विजिबल नहीं है, तो इसलिए आपको भी अगर मौका मिले तो आप रास्ते में इस तरह के कैरन्स आप लगाते जाएं। तो गाइस अब तो हम लोग बहुत जुट चुके हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अलियास अभी भी नहीं आया। अब इंतज़ार है अलियास का क्योंकि थक भी गए भाई बहुत, थोड़ा सा क्या पूरा ही थक गए हैं, जूते बिल्कुल गीले हैं क्योंकि चलने से महसूस नहीं हो रहा ना, गर्म हो गया पाँव तो अच्छा है। धुन देखिए यहाँ पे आगे हमें भेड़ों का झुंड दिख रहा है, इसका मतलब इनके साथ गद्दी लोग भी होंगे। तो अब उनको पूछते हैं कि कितना और गाइस ये देखिए दोस्त बहुत एंग्री है इस वक्त हमसे, हम लोग पहुँच गया लियास क्योंकि कन्फ्यूज़न यहाँ पे ये था। एक तो ये सामने वाला व्यू दिख रहा है देखिए ऊपर, क्योंकि वो देखिए ऐसा लग रहा था कि कितना और जाना है और अलियास तो आ नहीं रहा। ये तो शुक्र है मनीष जी ने वीडियो किसी का YouTube वीडियो वहाँ पे वो ऑफलाइन उन्होंने डाउनलोड करके रखा था, तो वहाँ से हमने अलियास हमें कैसे पता चला अभी क्योंकि वहाँ पे ग्रीन छत है ऊपर, वहाँ पे टेंट है ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है काफ़ी ऊपर को है अंदर को है। तो अब विश्वास हो गया है क्योंकि उस वीडियो में उन लोगों ने वहीं टेंट लगाया, इट मीन्स कि वही अलियास है और यहाँ पे भेड़ बकरियाँ भी, इट मीन्स कि गद्दियों का डेरा यहाँ पर है। तो अलियास मीन जहाँ पे गद्दी लोग अपने भेड़ बकरियों को रखते हैं और टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होता है तो उसे अलियास कहते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुँच गए फाइनली। मुझे नहीं पता किसके बैग में थी, सुनो वो पता किसमें डाली जो हमने टॉफी टू फिल ली नीचे, वो सारा एक ही लिफाफे में है। हाँ सो कहीं इसमें है। तो ये देखिए गाइस टेंट हमारा, और खुशी की बात है कि हम लोगों के साथ आ गए हैं बहुत सारे बड़े भाई। देखिए यहाँ पे ये गद्दियों का टेंट है और यहाँ पे कुछ भाई हैं, तीन भाई वो ऑलरेडी नीलकंठ ट्रैक कंप्लीट करके आ गए हैं महादेव के दर्शन करके। अब यहाँ पे लोग आए हैं 3, 2, 6, 7 लोग आए हैं तो यहाँ पे अपना टेंट लगा रहे हैं।
तो कल हम इनके साथ ऊपर की यात्रा करेंगे। और ये देखिए अलियास, अलियास का व्यू हरा भरा, ये देखिए बहुत सुंदर, अति सुंदर, पूरी धुंधी धुंध देखिए। तो यहाँ पर भी माथा टेकते हैं, यहाँ पर जैसे त्रिशूल वगैरह रखे हैं तो यहाँ से ही नीलकंठ महादेव के दर्शन भी होते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे धूप वगैरह जला दिया है सब कुछ, तो अब हम देखते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, उसके बाद हम खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं अलियास, फाइनली फाइनली। अरे अलियास को ढूंढते ढूंढते तो बाय गॉड हम सोचा कि हम कहीं नीलकंठ महादेव ना पहुंच जाए। अलियास ढूंढते ढूंढते जूतों के तो बुरा हाल है, सॉक्स को निचोड़ के हमने सूखने लगा दिया बाहर, लगा तो दिया, रात को बारिश होगी तो फिर गीली हो जाएगी लेकिन बहुत मज़ा आ गया। तो नैनगढ़ से 12:30 चलने के बाद हम लोग पहुँचे यहाँ पर 5:45, तो लगभग 4 घंटे का सफ़र हमने तय किया। तो अब हमने क्योंकि वीडियो शूट भी किया कुछ रास्ते में, हम वो कैरन लगाते रहे। सुबह यहाँ से हम करेंगे ट्रैकिंग, तीर्थ यात्रा हमारी जो नीलकंठ महादेव की है। तो अब हमारे साथ बहुत से बड़े भाई भी हैं, तो अब हम खुश हैं, कोई चिंता नहीं है अब। तो अब हम जो मनीष जी का एक टेंशन था कि यार कहीं वो कहीं हमने कल जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी आना है, कहीं नाले बढ़ गए तो हम दो ही है कैसे पार करेंगे, तो हम ज़्यादा होते तो हाथ पकड़ के पार करते। तो अब हम ज़्यादा हैं, अब हम कम से कम 10 से 12 लोग हैं, तो नाले आ भी जाए कोई चक्कर नहीं, महादेव कुछ नहीं होने देंगे हमें, तो अब हम हाथ पकड़ के भी नाले पार कर लेंगे। हर हर महादेव। वो इतनी दूर कहाँ हमारी नाली, यहाँ से आएगा पानी नीचे, यहाँ बनाऊंगा। ये देखिए आप भेड़े आ गई है, वाह अति सुंदर, अति सुंदर बहुत ज़्यादा। ये देखिए हमारे साथ जो बड़े भाई लोग आए हैं उनका टेंट भी लग गया, देखिए ब्लू कलर बहुत बढ़िया। ये है गाइस असली जन्नत, तो गाइस ये देखिए निकासी भी निकाल दी हमने, देखिए टेंट के चारों ओर से कहीं बारिश हो गई तो पानी जो है बाहर निकल जाए। चलिए अब हमारा सब कुछ रेडी है, टेंट देखिए हमने बंद कर दिया है, अब हम सोच रहे हैं पानी पीने चलते हैं सबसे पहले, तो पानी पीना भी है और लाना भी है। ये देखिए शाम का इंतजाम करना है, पानी लाना पड़ेगा तभी होगा इंतजाम। कुछ नहीं है करो आप, अंदर से साफ है। तो गाइस देखिए मनीष जी फिर से कैरन बना रहे हैं, क्यों? ताकि जो अलियास में यहाँ पर जब टेंट लगा कर रहेंगे लोग तो उनको ये पता चल सके कि पानी आपको कहाँ से लाना है। तो पानी की पाइप यहाँ पर है तो दूर से दिखती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा सा कैरन बनाएंगे। ये देखिए अब तो दिख जाएगा मनीष जी, अब बड़ा लगा ये पानी के लिए। तो अब दूर से दिखेगा कैरन, देखते हैं ज़रा कितना दूर से दिखता है। वाकई यार मनीष जी दूर से दिख रहा है अब तो, वाह जय हो नीलकंठ महादेव। 7 बज गए हैं और 7 बजे व्यू देखिए आप कितना सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। माउंटेन्स देखिए आप, हाँ। तो गाइस माउंटेन्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, जिनको पहाड़ों से प्यार है ना वही समझ सकते हैं मेरी फीलिंग इस समय, वाह। नाथ शंकरा जय हो शंकरा, तेरे ही भजा आदि देव शंकरा, हमारे तेरे जम चले ये सांस किस तरह। गाइस देखिए आज शाम बहुत लंबी लग रही है, ऐसा लग रहा रात ही नहीं हो रही है। और आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने उस समय वीडियो नहीं बनाया कुछ चीज़ें होती है कि वीडियो आप हमेशा हर जगह वीडियो नहीं बना सकते, तो हमें साक्षात दर्शन हो गए। देखिए पहले पूरा यहाँ पे धुंध पड़ी थी पिछले साइड, तो अभी हमने यहाँ पे पूजा वगैरह की सबने, तो वहाँ से जैसे ही पूजा शुरू हुई तो वैसे ही ये पूरा साफ़ हो गया पीछे और नीलकंठ महादेव जी के दर्शन हो गए हमें, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। बस इसके बाद पूजा के बाद हमें इजाज़त दी गई कि अब आप लोग खाना बना सकते हैं, तो अब देखिए हम लोग अब यहाँ पर
अब मनीष जी आज कुछ खास डिश बनाने वाले हैं, तो अब देखते हैं कौन सी डिश खाने वाले हैं। हर हर महादेव। गाइस इस तरह के दर्शन शायद हम आज बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो महादेव की कृपा से आज हमें इस तरह के दर्शन हो रहे हैं। ये अब जलस्ट हो मनीष जी हमें कुछ अलग सी डिश खिला रहे हैं, ट्रेडिशनल डिश वापांगी। ये देखिए गाइस चंद्रशेखर, भोलेनाथ के सर पे चांद, भोलेनाथ के सर पे चांद देखिए आप। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाहे पद का। ओके और डालो, क्या है ये देखिए गाइस, जीरा जीरा। ये देखिए गाइस, ये देखिए प्रॉपर, ये हमारे प्रोफेशनल शेफ हैं। देखिए जीरा धनिया, हाँ जी, और ये देखिए जी हल्दी, हल्दी धनिया जीरा, क्या बात है। ये देखिए गाइस नमक, गाइस ये देखिए चार भाई, नमक हल्दी धनिया जीरा। फाइनली शेफ ने इजाज़त दे दी कि लगा दीजिए। अब ये हमने लगा दिया, इसमें नमक डाला है। नमक के बाद अब ये देखिए ये खड़े मसाले जो आपका जीरा धनिया और लाल मिर्च, ये हमने डाली। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे चीज़ें। ये देखिए गाइस, ये हमने अब दही डाल दी उसमें जो हमने थोड़ी देर पहले। शेफ जी, शेफ जी मनीष शेफ जी आटा गूंद रहे हैं। देखिए ये देखिए गाइस, ये देखो ये देखो, तो ये हमारा खाना हो गया रेडी। देखिए मनीष जी क्या डिश बोला था आपने इसको, सिड्डू। ये हमारे सिड्डू बन गए देखिए जी, दही सिड्डू। ये चलिए दिन भर की थकान के बाद इस तरह का फूड मिले तो मजा आ जाता है। गाइस आपको एक दोस्त से मिला रहे हैं, देखिए यहाँ पे चिड़िया रानी ले जी, ओ ले उड़ गई वो। तो गाइस अब खाना खुना खा के बढ़िया अपना जो दही सिड्डू है खा के मस्त हो गया, मस्त नींद आने वाली है क्योंकि तो थकान भी बहुत हुई है। बहुत सारा मटेरियल हम आज कंधे में लाए अपने, तो कल सुबह जा रहे हम 4 बजे, 4 बजे उठेंगे तो, और जैसे फ्रेश फ्रुश होकर सब कुछ धूप बत्ती करने के बाद 5 बजे यहाँ से चलने का हमें ऑर्डर हुआ है जो हमारे सब बड़े भाई लोग आए हैं। तो 5 बजे हम लोग निकल जाएंगे नीलकंठ महादेव के लिए। तो हमारा जो पूजा का वक्त होता है तो उसी समय हम नीलकंठ महादेव पहुँचेंगे और वहाँ पूजा करेंगे। तो देखिए गाइस मनीष जी भी आज हमारे शेफ जी थक गए हैं बहुत सुबह की पैकिंग भी हम लोगों ने कर दी है। देखिए टेंट हमने कर दिया है बंद, अब हम सोते हैं गाइस, तो मिलते हैं सुबह। हर हर महादेव।